आगजनी मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आगजनी करने वाले पक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाया है। सिकंदरा पुलिस पर पैसे लेकर आरोपी को छोड़ने का आरोप है। आरोपी साजिद को भगाकर युवती को बरामद दिखाने का भी आरोप है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब 6 टीमों का गठन किया है। तो आरोपी साजिद को भगाकर युवती को बरामद दिखाने का आरोप लगाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल 6 टीमों का गठन पुलिस की ओर से किया गया। ये करीब 4 दिन पहले एक बालिग लड़की एक लड़के के साथ चली गई थी और दोनों बालिग थे। ये दोनों अपोजिट संप्रदाय के थे। लड़की पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। अभी कोर्ट ना खुलने के कारण, बंद होने के कारण, छुट्टी होने के कारण उनका अभी बयान नहीं हो पाया था। इस बीच ये यहाँ के कुछ धर्म जागरण समन्वय संघ के कुछ कार्यकर्ता हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने जिस लड़के के जो लड़का लड़की लेके गया था उसके घर में आग लगाई है। मैं मौके पर हूँ, आग बुझा दी गई है। यहाँ पर पूर्णतः शांति है और कोई ऐसी बात नहीं है। FIR रजिस्टर की जा रही है और बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लापरवाही बरतने पर यहाँ के जो रौनकता के चौकिंग चार्ज हैं उन्हें मेरे द्वारा निलंबित किया गया है और जो थानाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, अभी मौके पर क्या हालात हैं और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, इस समय मौके पर शांति है लेकिन तनाव बना हुआ है। दो पक्षों का मामला है, दो संध्या विशेष का मामला है और इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 6 टीमों का गठन है, लगातार दबिशें दी जा रही है और खुद इस मामले का संज्ञान सरकार ने लिया है। DGP लगातार इस मामले स्थानीय पुलिस प्रशासन से उन्होंने बात की है, एसएसपी से बात की है, अधिकारियों से वार्ता चल रही है और इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस पर आरोप ये लगे कि जो एक पक्ष की तरफ से आ गया जिसके इस मामले में लड़की तो बरामद कर लिया पुलिस ने लेकिन लड़के पर पुलिस पर आरोप लगा और यही वजह है कि जो आरोपी पक्ष के घर आगे समझा लेके जिनसे लड़की जुड़ी हुई है वो लोग पहुंच गए और उन्होंने उस घर में आग लगा दी और उसका घर था आरोपी पक्ष का, उसने भी आग लगा दी। तो कुल मिला के ये सारी चीजें रही जबकि पुलिस पूरी तरह से इस मामले में एक पक्ष की कार्रवाई करती रही है। दूसरे लड़की को तो बरामद कर लिया है लेकिन जो आरोपी साजिद जो युवक है वो पूरी तरह से उसको बचा दिया गया है। अब लगातार दबिश चल रही है और लगातार कार्रवाई। बिल्कुल, तो देखना होगा कि ये जो टीमें गठित की गई हैं किस तरह से और कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है इस मामले में। नितिन, शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बगावत की जो अभी भी जारी है। सपा सांसद सुखराम सिंह यादव ने अब सीएम योगी से मुलाकात की है। अखिलेश यादव पर सुखराम सिंह ने हमला भी बोला है, कहा है कि अखिलेश के पास मुझसे मिलने का वक्त नहीं है। सपा के एक और मुस्लिम नेता का इस्तीफा, जहां पूर्व चेयरमैन मोहम्मद कासिम ने भी अब सपा छोड़ दी है। मुसलमानों की आवाज दबाए जाने से नाराज होकर ये इस्तीफा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक आजम खान का परिवार भी अखिलेश से खफा है और जल्द ही सपा का साथ छोड़ सकता है आजम का परिवार भी, सूत्रों के हवाले से खबर। शिवपाल यादव पहले से ही अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं और जल्द ही वे भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जहां MLC चुनाव में जब वोट डालने वे गए थे तब कहा था कि उचित समय जल्द आएगा, तो ऐसे में शिवपाल यादव नाराज हैं, आजम खान का परिवार नाराज बताया जा रहा है और एक और आजम खान के परिवार की नाराजगी के बाद मुसलमानों की आवाज दबाए जाने के आरोप फिर लगे। और हमारे ब्यूरो चीफ यूपी के वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, लगातार चौतरफा अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं, मुसलमानों की आवाज दबाए जाने के फिर आरोप लगे हैं अखिलेश यादव पर। देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बहुत संकट की घड़ी में है और संकट की घड़ी में इस लिहाज से है कि न केवल चाचा बल्कि चचा भी नाराज हैं। जी हां, शिवपाल यादव के अलावा आजम खां का परिवार भी नाराज है, सुखराम सिंह यादव राज्यसभा के सांसद वो नाराज हैं। सुल्तानपुर से खबर आती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र संघ की अध्यक्ष रही, समाजवादी पार्टी के टिकट पर 17 और 22 में चुनाव लड़ी, ऋचा सिंह नाराज हैं। बरेली के मुसलमान नाराज हैं, मुरादाबाद के मुसलमान नाराज हैं, रामपुर में भी
खलबली मची हुई है। यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी के संरक्षक और अपने पिता को याद करते हुए अखिलेश यादव कल अपनी कर्मभूमि और अपने पिता की कर्मभूमि मैनपुरी लेकर पहुंचे थे, संवाद स्थापित करने की कोशिश किए थे। ये संवाद स्थापित क्यों किया गया, संवाद स्थापित करने के पीछे ये जरूर एक संकट समाजवादी पार्टी के ऊपर जो लहरा रहा है, गड़गड़ा रहा है और थर्रा रहे हैं, जिससे अखिलेश यादव, ये बहुत ही सोचनीय विषय है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि शिवपाल यादव की बगावत के बाद आजम खां की बगावत, सुखराम सिंह यादव की बगावत, सुल्तानपुर में इस्तीफे हो रहे हैं, बरेली में इस्तीफे हो रहे हैं, सहजिल इस्लाम के बारे में मामला चल रहा है, आजम खां के बारे में मामला चल रहा है और पूछा जा रहा है कि समीक्षा किस लिहाज से की जा रही है, नहीं की जा रही है, क्यों नहीं लोगों को एक करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे सवाल जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ऊपर खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक और भी खबर आ रही है कि कहीं जो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में गए हुए जो नेता हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं टीस उभर रही है कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों कर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य सोर्सेज से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है, दारा सिंह चौहान भी अफसोस कर रहे हैं, धर्म सिंह सैनी निराशाजनक स्थिति में पहुंच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए बेहद संकट की घड़ी है। जी हां, अखिलेश यादव के लिए बेहद संकट की घड़ी है, क्योंकि जगह जगह से बगावत के सुर दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव को इस बात की जानकारी, इस बात का आभान हो चुका है, क्योंकि जब संकट की घड़ी होती है तो पिता याद आते हैं, सभी को याद आते हैं। कहा जाता है, कहावत है कि जब छोटी घटना होती है तो लोग कहते हैं कि अरे मारे माँ, लेकिन सामने से अगर ट्रक आ जाए ना तो लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप। तो ये एक छोटी सी बात होती है लेकिन ये समझने वाली बात होती है, क्योंकि अखिलेश यादव कल मुलायम सिंह यादव को लेकर मैनपुरी गए थे, संवाद वो अकेले स्थापित करते थे, पूरे 2022 के चुनाव में उन्होंने लगातार अकेले कैंपेन किया। मुलायम सिंह यादव कहीं कैंपेन करने नहीं गए, मैनपुरी में गए थे और उन्होंने, चूंकि वो उनकी कर्मभूमि है और वहां से वो सांसद हैं तो इसलिए वहां गए थे, उनको वहां मतदान भी करना होता है। लेकिन आपने देखा कि विधान परिषद के चुनाव में भी पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव, यानी मुलायम सिंह यादव याद आ रहे हैं अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के मुखिया को, उनके नेतृत्वकर्ता को, और भान हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव की जो नीतियां थीं सबको जोड़कर गुलदस्ते में सजाकर सबको साथ लेकर चलने की जो समाजवादी पार्टी की नीतियां थीं, जमीन पर उतर कर काम करने की जो नीतियां थीं, धूप में जो घूमने की नीतियां थीं और कभी गाजियाबाद तो कभी गाजीपुर की यात्रा कर कर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, बड़ा किया अखिलेश यादव ने, अब याद आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नए मुखिया अखिलेश यादव को, क्योंकि पार्टी में बगावत के सुर लगातार सुनाई पड़ रहे हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशंस है, ये संकट की घड़ी है और अखिलेश यादव को इसका भान धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बगावत हर जगह से, बगावत के सुर धीरे धीरे हर जगह से सुनाई पड़ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो मुस्कुरा रही है, अखिलेश यादव बिल्कुल उसी पर ही नजर है और उसी का ही इंतजार दिख रहा है। वीरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक से लाउडस्पीकर का शुरू हुआ विवाद अब उत्तर प्रदेश में भी गूंज रहा है। सूबे में इन दिनों लाउडस्पीकर पर जंग जारी है, अब जगह जगह मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। हम आपको तीन तस्वीरें दिखाएंगे, एक तस्वीर जहां अलीगढ़ में होगी, जिसे लेकर अलीगढ़ में घमासान लगातार जारी है, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया गया है। वहीं कासगंज के पटियाली में भी अजान के विरोध में अब हनुमान चालीसा बजाए जाने की बात सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही और भी कई मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीर वाराणसी से भी सामने आई, यहां भी एक शख्स ने अपने घर की छत पर लाउडस्पीकर लगवाए हैं। तो ये तीन तस्वीरें देखिए, जहां अब अलग अलग राज्यों से लाउडस्पीकर लगाए जाने की जो खबरें आ रही थी, उत्तर प्रदेश में भी तीन इन जगहों पर, अलीगढ़, कासगंज और वाराणसी में लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा या फिर हिंदू देवी देवताओं के गीत चलाने की बात सामने आ रही है।
विकासगंज के पटियाली में हनुमान चालीसा और अजान विवाद के मामले में जब एबीपी गंगा ने लोगों से बातचीत की तो पटियाली में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। यहां हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल हमेशा से पेश होती आ रही है। मंदिर मस्जिद और रामलीला ग्राउंड आसपास होने के बावजूद कैसे दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्मों के प्रति सम्मान करते हैं, एबीपी के संवाददाता रंजीत गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त अमीर खुसरो की धरती पटियाली में हैं। ये द्रोणाचार्य की कर्म स्थली भी है। मैं दिखा दूं ये आपको, ये मस्जिद है, यहाँ ये रामलीला ग्राउंड है, और अगर हम थोड़ा दाईं तरफ चलें तो ये श्री गोपाल जी मंदिर है। दरअसल कल पटियाली से एक अफवाह उठी थी, यहाँ के भाजपा के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष का एक बयान आया था, अजान और हनुमान चालीसा आपस में क्लैश होता है, हम विरोध करते हैं। हालांकि बाद में वो बयान से पलटे भी। पटियाली की अगर हम बात करें, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो हमेशा यहाँ कौमी एकता बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। यहाँ तमाम लोग हमारे साथ पटियाली से जुड़े हुए जो लोग हैं यहाँ के वो मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशानी। हाँ ईशानी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें हनुमान चालीसा और अजान के लाउड स्पीकर का एक विवाद, एक अफवाह मात्र आई थी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे पटियाली में तो कभी कोई मसला रहा नहीं और ना इस वक्त, अगर कोई हनुमान चालीसा की कोई अफवाह चली है तो ऐतराज़ किस बात का? हनुमान जयंती है, हनुमान चालीसा अगर हनुमान जयंती में नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर कब पढ़ा जाएगा? बड़े खूब शौक से। तो जहाँ तक अजान का सवाल है, अजान के बारे में मैं सारे अपने मुस्लिम से ही कहना चाहूँगा कि अजान का वक्त जब हो तो आप अपना मिनिमम आवाज़ पर अजान दें, मैक्सिमम आवाज़ ना होनी चाहिए। कासगंज में एबीपी गंगा के लिए रंजीत गुप्ता। उधर अलीगढ़ में लाउडस्पीकर का मुद्दा लाउड हो गया है। बीजेपी के एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि अगर लाउडस्पीकर के जरिए अजान की जा सकती है तो हनुमान चालीसा के पाठ में क्या दिक्कत हो रही है। लगातार तूल पकड़ रहा है लाउडस्पीकर का मुद्दा, लाउड होता जा रहा है, और ऐसे में तमाम हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि हम लोगों को भी अपनी धार्मिक आस्था को जताने का अधिकार है। लोगों से बात करते हैं, अलीगढ़ के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, अजान तो चलती आ रही है, हम लोग भी एक तमाम जो कहा जाए कीर्तन संकीर्तन और हनुमान चालीसा का जब तब लाउडस्पीकर से करते रहे हैं जब, लेकिन रेगुलर करने की बात आप कह रहे हैं, क्या आप इसके पीछे तक? अजान में देने से आशय यह होता है कि वह लोगों को सूचना देकर मस्जिद में बुलाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। पुराने समय में जब लाउडस्पीकर नहीं थे तो लोगों को अजान के लिए वैसे ही बुलाया जाता था। आज जब आधुनिक जमाना आ गया है तो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम उनको सूचना दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इतना शोर करके पूरे समाज को उसमें नींद खराब करके, विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब करके, बीमारों को रेस्ट लेस करके और हम ये अजान की सूचना दें। दूसरे हनुमान चालीसा के पाठ वो हमेशा से लाउड ही होते रहे हैं। आप देखिए, कभी भी हनुमान चालीसा का जाप मौन होकर नहीं होता, नमाज तो मौन होकर होती है लेकिन हनुमान चालीसा हमेशा उच्च स्वर में होती है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। तो इसलिए हनुमान चालीसा तो वह मंदिरों में गीत के रूप में, आरती के रूप में, घंटे घड़ियाल बजाकर हमेशा से हजारों वर्षों से होती रही है। कॉमन सिविल कोड पर शिवपाल यादव ने बयान दिया है, कॉमन सिविल कोड के लिए आंदोलन करने का फैसला लिया है। शिवपाल यादव का बयान है, कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर समर्थन दिखाया है और अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिवपाल यादव ने ये बयान दिया। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज तो यहीं से हम लोगों का, चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम समय रोजैया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे हैं उनकी आवाज़ उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। और चलिए अब बात करेंगे अवैध निर्माण पर हो रही कार्रवाई की। कासगंज के अकबर नगर पालिया में
प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटा दिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। प्रशासन के मुताबिक एक एकड़ जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा था। नोटिस जारी करने के बावजूद लोग अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद प्रशासन ने अब कार्रवाई की है और अवैध निर्माण को गिरा दिया है। जिस जमीन पर लोगों ने कब्जा किया था वो काफी बेशकीमती बताई जा रही है। हम इस वक्त कासगंज की पटियाली तहसील में हैं। ये गंजुंडवारा कादरगंज रोड है और ये नवादा गांव है। मैं दिखा दूं आपको, यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। एसडीएम पटियाली के आदेश के बाद ये ज़मीन खाली कराई गई है। यहाँ पर करीब 50 लाख रुपए कीमत की ये ज़मीन है। यहाँ अवैध निर्माण थे। एसडीएम के मुताबिक उन्होंने नोटिस दिए हैं, उसके बाद ये कब्जे हटाए गए। हमारे साथ एसडीएम पटियाली प्रेम नारायण जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। हाँ एसडीएम साहब, ये बताइए यहाँ पर पूरा क्या मामला था, अतिक्रमण कब से था और कब नोटिस इशू किया गया, उसके बाद कब हटाया गया इसको? इनको ये जो है खाद के गड्ढे की ज़मीन है, मेन हाईवे के किनारे की ज़मीन है जो है। इस पे जो है ये लोग जब इलेक्शन हो रहा था उस दौरान एक कब्जा कर रहे थे। इनको रोका गया, गंजडुंडवारा की पुलिस और हमारे लेखपाल कानून गो आए, इनको रोका जो है, लेकिन ये माने नहीं और यहाँ पे दीवार बना लिया। क्योंकि ये खाद के गड्ढे की ज़मीन है और हाई वैल्यू की ज़मीन है, इसलिए जो है इनको नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करके इनको एक सप्ताह का समय देकर जो है हटाने के लिए कहा गया, लेकिन ये लोग हटा नहीं रहे थे। तो आज जो है स्थानीय पुलिस गंजडुंडवारा की और रेवेन्यू की टीम जो है आके यहाँ पर और इनके जितनी दीवाले थी जो है अस्थायी कब्जे थे। और ऐसी ही खबर उन्नाव से भी, जहां उन्नाव में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में जमीन से अतिक्रमण को हटा दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे प्रशासन ने अब हटा दिया है। उधर प्रतापगढ़ में शराब माफिया गुड्डू सिंह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 करोड़ से ज्यादा कीमत की संपत्ति को जब्त करने की ये कार्रवाई चल रही है। एसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने 13 अप्रैल तक की तारीख तय की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई चल रही है। माफिया पर हत्या, गैंगस्टर और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। माफिया गुड्डू सिंह शराब फैक्ट्री मामले में जेल में है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई के दौरान की, जहां पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ से तस्वीरें जहां शराब माफिया गुड्डू सिंह पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 7 करोड़ से ज्यादा की कीमत की ये संपत्ति है, जिसे जब्त करने की कार्रवाई चल रही है। एसपी की रिपोर्ट पर अब डीएम ने 13 अप्रैल तक की जो तारीख दी थी उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की है। माफिया पर हत्या, गैंगस्टर और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि माफिया गुड्डू सिंह शराब फैक्ट्री मामले में जेल में बंद है। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां 7 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्ति है जिस पर अवैध कब्जा किया गया और पुलिस ने अब इस पर कार्रवाई की है, जहां इस जमीन को, इस प्रॉपर्टी को अब जब्त किया जा रहा है। माफिया गुड्डू सिंह की ये शराब फैक्ट्री मामले में जेल में होने के बाद कार्रवाई हो रही है, जहां वैध संपत्ति पर अब पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। ये रिपोर्ट एसपी की है, जो डीएम ने 13 अप्रैल पर इस पर आदेश दिए थे कि 13 तारीख के बाद कार्रवाई की जाएगी और अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। गुड्डू सिंह पर जहां हत्या, गैंगस्टर और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है, जेल में वो बंद है और पीछे से प्रशासन अब उसकी अवैध संपत्ति पर ये कार्रवाई कर रहा है। और मनोज हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। मनोज, पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है और आगे कब तक ये कार्रवाई पूरी होने की संभावना? ये आपको बता दें कि शराब माफियाओं का बोलबाला जिले में है और जिले में मुठभेड़ उद्योग की शकल ले चुका है शराब का कारोबार, अवैध शराब का कारोबार। एक तरफ जहां अन्य राज्यों से तस्करी कर शराब लाई जाती है, तो वहीं तमाम फैक्ट्रियां भी जिले में संचालित हो रही हैं। और ये सिलसिला साल 2014 से बदरपुर जारी है, जिसमें बड़े बड़े माफिया हैं जो मास्टर माइंड है। तो तमाम नए चेहरे जो आते हैं सामने और पकड़े जाते हैं तो चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन मुख्य माफिया अभी भी पूरा कामधाम जारी रखे हुए हैं। हालांकि इस मामले में एडीजी की सख्ती के बाद कार्रवाई की गई थी। 2 मार्च
21 को जिसमें जेसीबी से खोद कर एक गौशाला के भीतर से तमाम शराब और कई ड्रमों में ओपी केमिकल और तमाम रेडीमेड मतलब बिल्कुल वो बरामद किए गए थे। जी 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 मनोज, तो देखना होगा कि पूरी कार्रवाई कब तक होती है। शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे खबर लखनऊ से, जहां हिट एंड रन मामले में अब गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी आशीष यादव समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल मामूली विवाद के बाद लोगों पर कार चढ़ा दी गई थी। कार से कुचलने से एक आदमी की मौत हो गई। आरोपियों पर हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ के हिट एंड रन मामले में अब गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी आशीष यादव समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल मामूली विवाद के बाद लोगों पर गाड़ी चढ़ाई थी। बताया गया कि मामूली जब विवाद हुआ उसके बाद कार दौड़ाई गई और इस चपेट में कई लोग आ गए थे और कार से कुचलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आरोपियों पर हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज है और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जहां कार से कुचला गया था और इसके बाद अब तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक मुख्य आरोपी इसमें शामिल। उधर हमीरपुर के सीजीएसटी रेड के दौरान पान मसाला कारोबारी के घर से छापेमारी के दौरान लाइव वीडियो सामने आया है इसका। यहां छापेमारी के दौरान घर के अंदर रुपयों की गिनती हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीजीएसटी के अधिकारी करोड़ों रुपए को मशीनों से गिनते हुए नजर आ रहे हैं। पान मसाला व्यापारी के घर लगभग 18 घंटे की सीजीएसटी की द्वारा रेड की गई, जिसके बाद 6,31,00,000 से ज्यादा की रकम मिली है। सुमेरपुर इलाके में पान मसाला व्यापारी के घर में ही फैक्ट्री लगाकर दयाल नाम से पान मसाला बनाया जा रहा था और इस पर रेड पड़ी। तो देखिए ये संपत्ति है और ये धनराशि है जो यहाँ से बरामद हुई। 18 घंटे तक सीजीएसटी की ये रेड चली है, जिसमें 6,31,00,000 से ज्यादा की रकम मिली है।